झारखंड सरकार हंसा विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों को छात्रवृत्ति देती है, लेकिन इस बार दुमका के सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले कई छात्रों के ऊपर संकट के बादल छाए हुए हैं। आपको बता दें कि छात्रों ने छात्रवृत्ति का फॉर्म सही तरीके से नहीं भरा है, जिसके लिए सभी छात्रों को छात्रवृत्ति से वंचित होना पड़ रहा है। वहीं जब इस मामले पर विश्वविद्यालय के कुलपति से बात की गई तो उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय प्रबंधन ने सरकार से इन छात्रों के आवेदन को सुधार कर छात्रवृत्ति देने का अनुरोध किया है। सरकार के द्वारा फॉर्म भरने का है। कल छात्र आए थे और हम लोगों ने कहा कि दो समस्याएं हैं उनके पास, कि एक फॉर्म भरने के बाद पहले 10 दिनों का समय मिलता था उसके करेक्शन का, अगर कोई गलती हो गई है, वो समय इस बार नहीं मिला है और उसके बाद इसी के चलते उसके बाद वेरिफिकेशन नहीं हो पाया है। तो हम विभागीय माननीय मंत्री महोदया से इस पे संपर्क में हैं। हम उनसे आग्रह करेंगे कि छात्रों को करेक्शन करने का एक समय दिया जाए ताकि उसके बाद विश्वविद्यालय इसको अप्रूव कर पाए, तो ये समस्या का समाधान हम कर पाए। आपको बता दें कि कुलपति ने आश्वासन तो दिया है कि सरकार से इस मामले पर बात की जाएगी, लेकिन देखना होगा कि क्या छात्रों को छात्रवृत्ति मिल पाती है या नहीं। इस वर्ष झारखंड सरकार के मानव संसाधन विभाग ने शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एवं अन्य वर्गों को दिए जाने वाले छात्रवृत्ति में संशोधन का समय नहीं दिया, जिससे सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय के कई छात्रों के द्वारा गलत फॉर्म भर दिए जाने से उन्हें इस वर्ष स्कॉलरशिप का लाभ नहीं मिल पा रहा है। अब छात्रों से तो गलतियाँ होती हैं, मानव संसाधन विभाग को भी इन्हें एक अवसर देना चाहिए इसमें सुधार लाने का। वैसे फिलहाल सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय ने सरकार से आग्रह किया है कि इनकी गलतियों को सुधारते हुए इन्हें स्कॉलरशिप दिया जाए। अब आगे या तो सरकार पर निर्भर करता है कि वह यहाँ पढ़ने वाले छात्राओं को स्कॉलरशिप का लाभ दिलाने के लिए क्या कदम उठाती है। पंजाब केसरी के लिए दुमका से वीरेंद्र कुमार झा।